तो तुम्हारा गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता होगा। नहीं सर, हो जाता है। नहीं एक मिनट, तुम कल ही अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब निकालता हूँ, किसी अच्छे सैलरी पैकेज पे। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। थी लड़की आलम? कौन? जरूरतमंद थी और कौन थी? यहाँ क्या करने आई थी? क्या मतलब क्या करने आई थी? कोई जरूरतमंद किसी ऑफिस में क्यों आता है? नौकरी की तलाश में आई थी? जॉब। हैरत की बात है कि सारा शहर छोड़ के ये लड़की यहाँ आ पहुंची जहाँ पे वैकेंसी ही नहीं। तुम उसे पहले से जानते हो ना? पागल हो गई हो क्या? मेरा एक दोस्त है, उसने भेजा था इसे। अलम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम शक कर रही हो? जिस परेशानी में मुब्तला हूँ उसमें मेरे पास शक के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। और पता नहीं क्यों तुम मेरी परेशानी को इतना लाइट ले रहे हो। क्या? कौन तुम्हारी परेशानी को लाइट ले रहा है? वो सब, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारा एहसास है। नहीं है तुम्हें एहसास। अगर एहसास होता तो अभी तक अपनी अम्मी से बात कर चुके होते। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, चूं चूं वक्त गुजरा, मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। यार मैं बस ऑफिस में आजकल इतना बिजी हूँ, इन दिनों इतना काम था कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाया अम्मी से बात करने के लिए। बिजी हो? इतना बड़ा मसला हमारे सर पे आया हुआ और तुम बिजी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी अम्मी से बात करना ही नहीं चाहते? तुम मुझे ढाल रहे हो ना? क्यों, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र है ना? लो, अभी तो बिजी नहीं हो ना? कॉल करो अपनी अम्मी को, बात करो उनसे, अभी तो बिजी नहीं हो ना? मैं रात को सुकून से बात कर लूंगा। नहीं, अभी बात कर। तुमसे मैंने कहा कि मैं रात को सुकून से बात कर लूंगा। जाओ यहां से, अपने रूम में जाओ। जाओ।